ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को हम सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आप सभी को गाइस जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, मैंने अभी जो अपने मॉडल का बैकग्राउंड है वो पहले से ही रेस कर रखा है। सो जिसको नहीं आता, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख के सिंपली वीडियो को देख के आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मॉडल को जो अपना लगा लिया है, एंड यहाँ पे कर देते हैं अब हम डन। ठीक है, तो उसके बाद मैंने गाइस आप सभी के लिए पीएनजी बनाया, जो हमें पीएनजी लगाना है यहाँ पे, वो पीएनजी बनाया। तो गाइस, आप सभी को इस पीएनजी को सिंपली डाउनलोड करके इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को जाना है यहाँ से इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस, जो आपके फेस के ऊपर एरिया आ रहा है, आप सबको उसको बस इरेज कर देना है। ठीक है, तो आप सभी को करना है कि यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करना है, एंड हार्डनेस को फुल करके, एंड सिंपली कुछ इस टाइप से आप सभी को इरेज कर देना है। ठीक है, तो मतलब कि गाइस, आपके जो फेस पे देखोगे गाइस, थोड़ा सा ना जो मतलब कि इसमें जो ग्लोइंग, मैंने जो ग्लोइंग इफेक्ट लगाया है वो ना गाइस, मतलब कि आपको थोड़ा अच्छे से इरेज करना है। क्योंकि यार, ये अगर मतलब कि आप थोड़ा मतलब लाइनिंग इरेज कर दोगे और ये ग्लोइंग रह जाएगा ना, तो गाइस फिर वो अलग ही दिखेगा। तो वाइट कलर का वैसे भी है, तो वो वैसे भी आपके ऊपर दिखेगा, तो इसलिए आप उसको थोड़ा अच्छे से इरेज करना। एंड इसके बाद जो है, यहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा हिस्सा इरेज हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करके, एंड सिंपली यहाँ से मैं इसको यहाँ पे पेंट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो चुकी है हमारा इतना काम, तो पीएनजी वगैरह लग चुकी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कर देंगे डन। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं डन। एंड उसके बाद जो है गाइस, बात आती है हमारी जो फेस के ऊपर थोड़ा सा स्मूथनेस डालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे इफेक्ट में जाने ब्लर में। ब्लर में जाने के बाद गाइस, हम इसकी ओपेसिटी को रखेंगे 3 तक। ठीक है, एंड यहाँ से जाएंगे इरेजर टूल में, यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश में जाएंगे, ब्रश के साइज को छोटा कर देंगे, एंड यहाँ से जूम करेंगे। एंड जूम करने के बाद आपसे कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करना है। ठीक है, ऐसे फेस के ऊपर आपको कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है, एंड पूरे यहाँ पे कर देना है पेंट। एंड उसके बाद आपसे कर देना है ऐसे डन। ठीक है, इतना कर देने के बाद आपसे जाना है टूल्स में जाने के बाद जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। ठीक है, ब्राइटनेस को बढ़ा देने के बाद आपसे करना क्या है, आपसे जाना है ऐसे इरेजर टूल में। बाद जो है आप सभी को नीचे से थोड़ा सा इरेज कर देना है। ठीक है, हल्का नीचे से यहाँ से इरेज कर देना है, एंड ऊपर से जो आप क्लाउड्स हैं वहाँ से भी हल्का सा इरेज कर देना है। ठीक है, एंड ऐसे कर देना है डन। ठीक है, तो आप इसके जो ओपेसिटी वगैरह को आप मैनेज कर सकते हो, एंड इसको आप रखना है आपको अराउंड 5-6 तक, एंड ऐसे कर देना डन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप सबको जाना अगेन टूल्स में जाने के बाद आप सबको जो ब्राइटनेस इसको बढ़ा देना है, एंड ऐसे जाना इरेजर टूल में, यहाँ से जो इसको आपको इन्वर्ट कर देना है पहले। ठीक है, ब्रश के साइज को छोटा कर देना है, एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से आप सबको यहाँ पे इफेक्ट डालना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सबको इस तरीके से मतलब कि आपको ऐसे ऐसे पेंट कर देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सबको जो है इसके साइज को आपको थोड़ा सा मतलब कि अराउंड 5-6 तक को भी रखना है, एंड ऐसे कर देना डन। एंड उसके बाद जाना आपको अगेन टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना, आप जो आपको इसको इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है। एंड अब जो है गाइस, पेंट करना आपको अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, कुछ एक इस साइड को, एंड एक आप कुछ यहाँ पे इस साइड भी कर लेना चाहिए, एंड एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद आपको मतलब कि जहाँ जहाँ पे लगे कि हाँ यहाँ पे मेरे को इफेक्ट डालने की जरूरत है, तो वहाँ पे जरूर डालना आप। क्योंकि यार, उससे इससे क्या होता है ना, डोजन वन से जो हमारी फोटो है ना, अलग ही लगती है, मतलब कि अलग ही लुक आता है हमारी फोटो में। तो डोजन वन जरूर करना। एंड उसका डन कर देते हैं ऐसे, एंड इसको कर देते हैं सेव, एंड चलते हैं अब लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस, जब तक हमारी लाइट रूम ऐप जब ओपन हो रही है ना, तो जब तक अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। क्योंकि यार, आपकी एक लाइक से ना काफ़ी मोटिवेशन मिलती है यार, और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यार आप सभी को ऐसे ऐसे कंटेंट मिलते रहे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि यार जो भी मैं अपडेट डालूँ आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जो है हमारी फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ऐड हो जाने के बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे कर देने के बाद आप सबको लाइट वाला ऑप्शन में जाना है, कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा देना है, एंड हाईलाइट है इसको माइनस में कर देना है, एंड जो शेडो है इसको बढ़ा देना है, एंड वाइट को कम कर देना है, ब्लैक को बढ़ा देना है। एंड इसको जाना नीचे वाले टूल में, एंड इसके जो वाइब्रेशन इसको बढ़ा देना है, टेम्परेचर को माइनस ब्लू में कर देना है। ठीक है, एंड इसका जाना मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर में जाकर इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड जो इसका रेड कलर है इसके ह्यू को माइनस में कर देना है, एंड सैचुरेशन को प्लस में। ठीक है, इतना कर देने के बाद आपको येलो कलर में जाना, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड उसके बाद जाना ब्लू कलर में, इसके ह्यू को माइनस में कर देना है, सैचुरेशन को प्लस में, एंड ऐसे कर देना डन। एंड उसके बाद जाना आपसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी इसको बढ़ा देना है, एंड विग्नेट हल्का सा डालना है आप सभी को। एंड उसके बाद जो ग्रेन अमाउंट है इसको बढ़ा देना है थोड़ा सा, एंड जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस इसको बढ़ा देना है, एंड जो नो डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो कलर नो डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देना है। ठीक है, एंड उसके बाद जाना आप सिलेक्टर टूल में। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करेंगे, इसमें यहाँ पे जाएंगे, प्लस पर क्लिक करके आपको थर्ड वाला ऑप्शन लेना है, इसको आपको इस तरीके से नीचे से लाना है, एंड इसका जो एक्सपोजर कम कर देना है। ठीक है, एंड इसका कर देने के बाद आपसे प्लस पर क्लिक करके सर्कल पर जाना है, एंड उसके बाद आपको कुछ फेस पे इस तरीके से कर देना है, एंड इसके प्लस प्रेस करके इन्वर्ट कर देना है, एंड क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना है, एंड कर देना है डन। तो बस देखिए, यहाँ पे हमारा बिफोर एंड आफ्टर। तो बस यहाँ पे जो हमारी फोटो एड हो चुकी है, आई होप कि यार वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो।